मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। जब से ये ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर शुरू हुआ ना, मम्मियों को बच्चों को पढ़ाते वक्त गुस्सा बहुत आता है, आपको भी आता है। तो आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ कुछ सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स, बच्चों को पढ़ाते वक्त हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिंपल सी बातें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको बच्चे को पढ़ाते वक्त कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। देखो, गुस्सा जब हमें आता है ना, तो हम बच्चे पे चिल्लाते हैं और उससे हमारा फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। मतलब अगर मेरे बच्चे को ABCD लिखना आता भी होगा ना, और वो एक अल्फ़ाबेट गलत लिख देगा और जैसे ही मैं चिल्लाऊंगी वो आगे के लिखेगा ही नहीं, होता है ना ऐसा? तो नुकसान किसका हुआ? बच्चे का हुआ, क्योंकि उसे अब टेंशन हो गई है कि अभी तो मम्मी चिल्लाई है, अगली बारी कुछ गलती करती है सीधे चपाटा पड़ जाएगा, चाटा पड़ जाएगा एक। तो कभी भी बच्चे को पढ़ाते वक्त गुस्सा ना कीजिए। किन बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, सबसे पहली चीज़ और जो सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और बच्चे को पढ़ाने बैठा दिया है, या फिर हम अपने टीवी सीरियल में मस्त हो रखे हैं और बच्चा वहीं पे पढ़ रहा है। अब मम्मी से बच्चा एक बारी क्वेश्चन पूछता है, दो बारी क्वेश्चन पूछता है, मम्मी का तो वही टीवी का सीरियल ख़राब हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा उसको कि स्टोरी में क्या चल रहा है। तो मम्मी एकदम से चिल्लाती है, क्या है, तुमको समझ नहीं आ रहा, क्या खुद नहीं कर सकते हो? तो आपने जब भी बच्चे को पढ़ाना है इस बात का ध्यान रखना है कि टीवी और फ़ोन अपना बहुत दूर रख देना है, अपना, जी हाँ अपना। मतलब आपको बच्चे को पढ़ाते वक्त फ़ोन और टीवी से दूर रहना है। बच्चे को पढ़ाते वक्त इस बात पे ही ध्यान दीजिए कि आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हर बच्चे को सीखने में टाइम लगता है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में आपने उसे अल्फ़ाबेट पढ़ा दिए, कि आपने एक फ़ोन पर वीडियो दिखा दी ABCDEFG, और अगली बार से आपका बच्चा सुना भी देगा, लिख के भी दिखा देगा, कर्सिव राइटिंग में भी लिख के दिखा देगा। मतलब ऐसा तो किसी का बच्चा नहीं होता, सच में ऐसा किसी का बच्चा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा ना, समझ लो आपने बड़े अच्छे कर्म किए ऐसे कि आपको ऐसा बच्चा मिला है, बट ऐसे बच्चे किसी के नहीं होते हैं। आपको पूरा पेशेंस रखना होता है, पूरा कंट्रोल करके बैठना होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखो बच्चे के लिए कोई भी नई चीज़, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, चाहे वो नंबर्स हो, या फिर टेबल्स हो। देखो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे को टेबल्स नहीं याद हो रहे, क्या करें? तो नई चीज़ है उसके लिए, उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आज की डेट में आपसे ये बोलूँगी कि 19 का टेबल सुनाओ तो आप मुझे सुना दोगे, या कोई मुझसे बोलेगा नीमा 17 का टेबल सुनाओ तो मैं सुना दूँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा वो नहीं याद कर पाया या नहीं समझ पाया तो उसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना? हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, टेबल्स, उसको एक टेबल याद नहीं हो रहा, हो सकता है वो बाकी मैथ्स में बहुत अच्छा हो। तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अगर आपके बच्चे को वो छोटी सी चीज़ नहीं आई है तो बस उसकी तो बिल्कुल पढ़ाई ख़त्म हो गई। ये टेंशन मम्मियों को बहुत ज़्यादा होती है, और वो चीज़ नहीं आ रही है ना बच्चे को, इसकी वजह से जो चीज़ आ रही है ना उसके लिए भी वो डांट खाता है, और फिर वो क्वेश्चंस भी गलत करने लग जाता है। ट्राई करके देख लेना आप, 10 क्वेश्चन दे दिए बच्चे को, 3 या 2 ऐसे दीजिए जो उसे बिल्कुल नहीं आते सबसे पहले, और सबसे पहले ही उसको डांट दीजिएगा, बाकी के 8 क्वेश्चन गलत होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को कोई भी नई चीज़ पढ़ाते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, तो उसी सेम टाइम पे आप भी कुछ नया सीखने लगिए, चाहे वो कुकिंग की कोई चीज़ हो या फिर कोई पेंटिंग हो, वीडियो देख के हम ड्राइंग बनाते ना, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं है कि उसी के साथ बैठ के करना है, नहीं, बट जब मैंने अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ाना शुरू किया है उसी दिन मैं भी 1 घंटा लगाऊंगी। अब आपको जितना टाइम लगेगा ना, आपने अपने बच्चे को भी उतना ही टाइम देना है। अगर आप एक दिन में कर जाते हो नई चीज़, पहले ही दिन में बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग बना दिया आपने, तो आप अपने बच्चे से उम्मीद करना कि आपके बच्चे को भी एक ही दिन में आ जानी चाहिए। जैसे कोई चीज़ नई हमें भी हफ्ते महीने लग जाते हैं, वैसे ही आपके बच्चे को भी हफ्ते महीने लग सकते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को कोई नई चीज़ सिखा रहे हो ना, खुद भी नई चीज़ सीखना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका वो पेशेंस है ना वो बना रहे। ही का गुस्सा कहीं और मत निकालिए। देखो घर में कई लोग होते हैं, कई बार हमारी किसी से बहस हो जाती है और हम उन्हें तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, बट जैसे ही बच्चा हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, हम बच्चे पे बिल्कुल अब तू पूछ मेरे से, तेरे को मैं बताऊँ वाला एक्सप्रेशन हो जाता है मम्मियों के। मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और मत निकालिए, बच्चे पे किसी और का गुस्सा मत निकालिए पढ़ाई कराते वक्त। मतलब बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने क्या पूछ लिया मम्मी जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। तो बच्चे को पढ़ाते वक्त सबसे पहले आपने अपने पेशेंस को बिल्कुल कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस दिन बच्चे को थोड़ी देर में पढ़ाइए, या उस दिन बच्चे को वो सब्जेक्ट ना पढ़ाइए जिसमें आपको लगता है कि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा वीक है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी ये टेंशन्स तो कम हो गई होंगी कि बच्चे को पढ़ाते वक्त हम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना क्या हो रहा है कि
टीचर्स पढ़ा रही हैं घर पे बैठे बैठे, एक एक टीचर 80-80 बच्चे पढ़ा रही है, तो हम टीचर्स के भरोसे पे तो अपने बच्चे छोड़ नहीं सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहा तो आप अपने आप को उस टीचर की जगह पे रख के देखिए कि वो 80 बच्चे संभाल रही है और हम सिर्फ एक बच्चा संभाल रहे हैं, और फिर भी हमें इतना गुस्सा आ रहा है। और हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर ने हमारे बच्चे को कुछ बोल कैसे दिया, गुस्सा कैसे कर दिया हमारे बच्चे के ऊपर। तो आप अपने आप को उस टीचर की जगह पर रख कर भी सोच सकते हैं कि उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इन सब बातों को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।